गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नैक्सट आप स्टडी करांगे कि डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स की होंगी है। हाँ जी, कोई भी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन नू डायगनलाइजेबल उदो बोलांगे जो अपने को एक मैट्रिक्स पी ऑफ ऑर्डर एन एग्जिस्ट करेगी जो कि होनी चाहिए है नॉन सिंगुलर। हाँ जी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी सच दैट पी का इनवर्स फाइंड करो इनटू ए इनटू पी इक्वल्स टू की आवे बी, वेयर बी की होएगी एक डायगनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स की होवे सिमिलर टू बी मीन्स मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू मैट्रिक्स बी। हाँ जी, इसका मतलब की है कि अपने कोले एक मैट्रिक्स बी एवें दी एग्जिस्ट करे सच दैट ए मैट्रिक्स उस दे की होवे सिमिलर होवे तो बी मैट्रिक्स की होएगी अपने को डायगनल मैट्रिक्स होएगी ना। हुण आपां ये देखना है कि पी मैट्रिक्स किवें दी होएगी तो एग्जिस्ट किवें करेगी। ना पी की है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो जे नॉन सिंगुलर यदा मतलब अपने को होना चाहिए उसका डिटरमीनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। हाँ जी, हुण थोनू याद होगा कि आप जो पहला मैट्रिक्स ए दा करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते होंगे सी, ठीक है जी, दैन की फाइंड करते सी उसके आइगन वैल्यूज फाइंड करते सी, दैन उसके आइगन वैक्टर्स फाइंड करते सी। हाँ जी, जो ये आइगन वैक्टर्स आते ने ये की होंगे मैट्रिक्स आइगन वैक्टर्स बिकम्स मैंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पी। एग्जाम्पल ले लें, मान लें कोई ए मैट्रिक्स सी, ठीक है जी, 2x2 की मैट्रिक्स सी मीनस इसका ऑर्डर 2 सी, मान लें इस दे के आइगन वैल्यूज λ1 ते λ2 आइगन वैल्यूज, ठीक है जी। नाउ λ1 दे कोरसपोंडिंग a1 a2 आइगन वैक्टर एंड λ2 दे कोरसपोंडिंग b1 b2 आइगन वैक्टर्स। देयरफॉर मैट्रिक्स पी किवें दी होएगी अपने कोले a1 a2 b1 b2, ठीक है जी, सच दैट अपने कोले यह मैट्रिक्स कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मीनस नॉन सिंगुलर होना चाहिए मीनस की होना चाहिए है यह इंडिपेंडेंट होनी चाहिए मैट्रिक्स पी की होनी चाहिए है इंडिपेंडेंट वैक्टर्स आइगन वैक्टर्स होने चाहिए ने इसके एलीमेंट्स, ठीक है जी, देयरफॉर ही पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर पी इनवर्स इनटू ए इनटू पी करांगे तो अपने को एक मैट्रिक्स बी आएगी, तो हाँ जी ये मैट्रिक्स बी किवें दी होएगी इस दे एलीमेंट्स की होंगे जो अपने को आइगन वैल्यूज फाइंड किए थे वो इस दे प्रिंसिपल डायगनल ते आएंगे तो बाकी दे एलीमेंट्स जीरो होंगे, मीनस एक डायगनल मैट्रिक्स होएगी। दैन इस मैट्रिक्स नूं आपां की बोलांगे, आपां जे अपने को प्रॉपर्टी होल्ड होंदी है दैन ए मैट्रिक्स नूं आपां डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स बोलांगे मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ नैक्सट एग्जाम वीडियो दे विच आप इस चीज़ में फर्दर डिस्कस करांगे। थैंक यू।